कुंडा WRV कॉनवेल कर दिया गया है। यहाँ पर इसका जो है और ऑल ओवर लुक है उसको कम्प्लीटली अपडेट कर दिया गया है। यहाँ आप देखोगे फ्रंट में आपको LED DRL के साथ प्रोजेक्ट है, LED हेडलैम्प मिल जा रहे हैं, साथ ही साथ ये नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अभी जो इंडिया के अंदर अमेज बेची जाती है जिस प्लेटफॉर्म पर उसी पर बेस्ड है, या नई वाली होंडा WRV अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट कार SUV दिखाई गई थी उसी की तरह दिख रही है देखने में ये, और इसको इंडोनेशिया में अनवील कर दिया गया है। पहले इंडोनेशिया में बेची जाएगी, ये सेकंड जनरेशन WRV है जिसको भी इंडोनेशिया में नवेल कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको एक 5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है जो 121 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा, साथ ही 7145 का टॉर्क जनरेट करेगा। ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ CVT गियरबॉक्स ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अभी जो इंडिया में होंडा सिटी बिकती है वही वाले ऑप्शन इसमें आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बात करें डायमेंशंस की तो इसकी लेंथ है 4060 है माम, 1608 है माम की हाइट और 1780 है माम ये चौड़ी है। साथ ही साथ ये पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी चौड़ी और ऊंची हो गई है। इसके अलावा इसका ग्राउंड 220 mm है जो कि प्रीवियस WRV से ज्यादा है। इसके साथ ही 380 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बात करें फीचर्स की तो यहां पर आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं जिनमें सिक्सर बैग्स, हंडा सैनी सेफ्टी, बंडल लेन की परसिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, इन ग्लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ ऑटो हाई बीम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4.2 इंच की MID मिल जाएगी। होंडा ने इंडिया के लिए कुछ अनाउंसमेंट की थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में 2 SUV इस आने वाली है। साल 2023 में उनको लॉन्च किया जाएगा जिनमें एक मिड साइज SUV रहेगी जो क्रेटा, सेल्टोस ग्रांट जैसे SUV को राइवल करेगी। इंडियन मार्केट में दूसरी रहेंगी ब्रेजा, नेक्सॉन वेन्यू जैसी ऐसी इसको राइवल करेगी। तो ये हो सकता है कि WRV का अपडेटेड वर्जन इंडिया में भी लॉन्च किया जाए जो कि अभी आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला वैन टू इंडिया में टेस्टिंग के दौरान नजर आया था और एक बार स्टॉक यार्ड में भी इसको देखा गया था। सेम यही हेडलाइट्स के साथ वो पिक्चर कुछ महीने पहले निकल करके सामने आई थी। यहाँ पर इंडिया में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा अब इसके बढ़ गए हैं। होंडा की SUV को ज्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है। अभी होंडा के पास अमेज सेडन है जो अच्छा बिक रही है और होंडा सिटी अच्छा बिक रही है। बाकी जैज और WRV की सेल्स कोई खास नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। जल्द ही हम आपके लिए 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।